अगर किसी का शनि खराब है, व्हाट डू यू मीन बाय शनि खराब? शनि, उसके बाद और भी बोलते हैं, शनि उससे नाराज है, व्हाट डू यू मीन बाय शनि नाराज? बताओ। बहुत सुंदर बोला किसी ने, शनि का लव नहीं है। बेसिकली ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स तुम्हारे भीतर ही हैं। जो कुछ बाहर है वही भीतर है। अब हम बाहर की साइंस को पढ़ते पढ़ते इतना हम कंफ्यूज हो गए, शनि की दृष्टि टेढ़ी पड़ रही है, शनि अब उल्टा चल रहा है तुम्हारे लिए। शनि को क्या पड़ी है उल्टा चलने के लिए? एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए और उन्होंने बताया कि एक ही रिदम में सब प्लैनेट्स जा रहे हैं, हम आगे पीछे उल्टा सीधा चलते हैं, और वैसा उनको बोलना शुरू कर दिया। वो वक्री चल रहा है, वो रिवर्स चल रहा है, रिवर्स गियर लगाया हुआ है। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो पूरा सृष्टि में प्रलय ही प्रलय पैदा हो जाएगी, सब ग्रह आपस में टकरा के मर जाएंगे। अब उसको सीधा चलाना है तो ये नग ले लो, नगीना। ये नगीना पहनने के बाद एज इफ वह उसका गियर चेंज हो जाएगा तुम्हारे छोटे से उससे। दिस ऑल इज इग्नोरेंस एंड सेटिस्फैक्शन विच ऑफ कोर्स दे डू इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन जो रियल पावर है दैट इज विद इन यू, और उसमें आप इंस्टेंटली आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। जो किसी ने अभी जो बिल्कुल सही बताया, द डेफिशिएंसी ऑफ लव, डेफिशिएंसी ऑफ लव मीन्स डिसकनेक्शन। वो हमारे किसी न किसी कर्म के कारण हमारा कोई ना कोई ग्रह कि जो एनर्जी हम तक मिलने चाहिए वो कमज़ोर हो जाती है। उस ग्रह की एनर्जी जब हमें नहीं मिलती तो हमारे जीवन में बाधाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा तुम्हें ज्ञान हो तो तुम्हारे को जब शंभवी दीक्षा अब मैंने दी है तो उसके साथ, उस प्लैनेट के साथ यूनिफिकेशन करना, उस प्लैनेट के साथ यूनिफिकेशन करना, मर्जिंग करना जो मैं सिखा रहा हूँ, और जहां तुमने मर्जिंग करी इमीडिएटली इंस्टेंटली तुमको फील होगा कि कुछ हो गया है।